गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति सुन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस। आज मैं क्लास लेने जा रही हूँ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। इसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। टेक्सटाइल और क्लोथिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहला प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन में क्या क्या होता है? ये स्किन को कवर करता है और ठंडा से बचाता है, हीट से बचाता है, रेन से बचाता है और विंड से भी बचाता है। वस्त्र और परिधान क्या करता है? स्किन को ढकता है और कोल्ड ठंडा से बचाता है, गर्मी से बचाता है, वर्षा से बचाता है और विंड से बचाता है। दे हेल्प सर्व आवर कंट्री इन आर्मी, नेवी, एरोनॉटिक्स एंड मेनी इंडस्ट्रीज। और ये क्या करता है? हमारे देश के जवानों को नेवी में जो काम करते हैं, एरोनॉटिक्स में जो काम करते हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं, उसमें भी प्रोटेक्शन के ख्याल से वस्त्र और परिधान की बहुत आवश्यकता रहती है। दूसरा है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या हुआ? हमको बचाता है। जैसे कि हम आग लग गया है, आग लगने के ऑफिस में जो काम करते हैं वो लोग क्या पहनते हैं? एस्बेस्टस का बना हुआ कपड़ा पहनते हैं। फायर फाइट वियर एस्बेस्टस क्लॉथ। पुलिस ऑफिसर्स क्या पहनते हैं? बुलेट प्रूफ वेस्ट। और स्पोर्ट्स के लोग क्या पहनते हैं? प्रोटेक्टिव क्लोथ पहनते हैं, जिससे कि उसके बॉडी का सुरक्षा हो सके। उसके बाद क्या होता है? सैनिटेशन। सैनिटेशन में क्या होता है? जैसे कि बहुत सारा हॉस्पिटल है और जहाँ पर फैक्ट्री, जहाँ पर खाना बनता है, पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज दैट प्रोड्यूस फूड एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स वियर सैनिटरी क्लोथ, मास्क, फेस मास्क और हेयर कवरिंग, मतलब कि बाल को ढकने का भी कपड़ा पहनते हैं, जिससे कि बाल में जो जर्म्स है वो इन्फेक्शन नहीं फैलाए। दिस प्रिकॉशन प्रिवेंट्स कंटेमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम जर्म्स। ऑपरेटिंग रूम्स, डॉक्टर्स, नर्स, स्पेशल डिस्पोजेबल सैनिटरी यूनिफॉर्म, ग्लव्स एंड फेस मास्क वो लोग पहनते हैं। उसके बाद आता है मॉडेस्टी। मॉडेस्टी का मतलब है कि मॉडर्न बनना। इट रिफर्स टू व्हाट पीपल फील इज द प्रॉपर वे ऑफ क्लोथिंग टू कवर द बॉडी, कि प्रॉपर वे में कैसे हम पहने कि हम अच्छे लगें। डिफरेंट ग्रुप्स, जो डिफरेंट तरह के जो लोग रहते हैं वो अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन तो जैसे कि डॉक्टर्स वाइट एप्रन पहनते हैं, इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो डॉक्टर हैं। वकील काला कोट पहनते हैं, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो वकील है। उसी तरह से एयर क्रूज, एयर होस्टेस, पायलट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपड़ा पहनते हैं। उसके बाद क्या महत्व है? इम्पोर्टेंस यूनिफॉर्म्स। जैसे पुलिस फोर्स का यूनिफॉर्म अलग है, फायर डिपार्टमेंट का यूनिफॉर्म अलग है, मिलिट्री का यूनिफॉर्म अलग है, सो दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर पब्लिक सेफ्टी, जिससे कि हम उसको आसानी से पहचान सकें कि वो किस
डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। पीपल हु वर्क इन सर्विस ऑक्यूपेशन सच एज रेस्टोरेंट वर्कर्स होटल स्टाफ वो लोग भी स्पेशल टाइप के यूनिफॉर्म पहनते हैं टू क्रिएट इमेज फॉर अ कंपनी, कंपनी का इमेज बनाने के लिए वो स्पेशल रंग का कपड़ा पहनते हैं। उसके बाद आता है स्टाइल एंड कलर, सबका स्टाइल और कलर भी डिफरेंट रहता है। जैसे कि जज का यूनिक स्टाइल रहता है ब्लैक रोब पहनने का। उसके बाद इंसिग्नियस में क्या होता है कि बैज और इम्ब्लेम्स जो दिखाता है कि वो किसी मेंबरशिप से बिलोंग करते हैं। पैचेस जैकेट पर, जैकेट और ब्लेजर पॉकेट रहता है। एम्ब्लेम पैच कैन बी वर्न ऑन जैकेट्स और ब्लेजर पॉकेट्स। उसके बाद क्या आता है इसका महत्व, कपड़ा और टेक्सटाइल का महत्व क्या है। स्टेटस सिंबल्स भी दर्शाता है क्लोथ, जैसे किंग और क्वीन क्रॉन पहनते हैं। क्रॉन क्या इंडिकेट करता है, पोजीशन और स्टेटस शो करता है। उसके बाद डेकोरेशन, कपड़ा का क्या महत्व होता है, डेकोरेशन जैसे शादी ब्याह में भी डेकोरेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ से। पीपल डेकोरेट देमसेल्फ टू एनहांस द अपीयरेंस, और जो आदमी सब है वो लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलरफुल ड्रेस पहन के अपने अपीयरेंस को इन्हांस करते हैं। और डेकोरेशन से क्या होता है कि वो अपने आप को यूनिक दिखाने के पर्पस से डेकोरेट करते हैं अपने आप को। उसके बाद टेक्सटाइल रिसाइकलिंग, टेक्सटाइल म्यूनिसिपल में क्या होता है, सॉलिड वेस्ट जो रहता है उसको जो कपड़ा डिस्कार्डेड होता है उसका क्या किया जाता है, रिसाइकलिंग करके उसका फ्रेश कपड़ा बनाया जाता है। तो ये सब हुआ क्लोथिंग और टेक्सटाइल का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। जैसा कपड़ा हम पहनेंगे वैसा ही हम दिखेंगे। Our skin is uncovered and exposed. We can be easily affected by the elements, rain, wind, cold and heat. We need to protect us with our clothing. Clothing aids to comfort. The right garment can insulate body against extremely hot or extremely cold. They add to our comfort appearance and to our every happiness in several ways. They help serve our country in the army, navy, aeronautics, and in our manifold industries. In recent years, there has been an ever-increasing demand for our textile and clothing. Firefighter wear asbestos clothing in hazardous situations. Police officers wear bulletproof vests. Some sports and occupations require protective clothing for safety reasons. Special clothing and accessories are often worn for sanitation reasons. People who work in factories that produce food and medical products wear sanitary clothing, face mask, and hair covering. This precaution prevents contamination of the products by germs. In operating rooms, doctors and nurses wear special disposable sanitary napkins. So this is all for today. Thank you.